गुड मॉर्निंग क्लास, आप सभी जल्दी से जुड़ जाओ ताकि हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ा सकें। और आज की क्लास में हम लोग बेटा विलयन चैप्टर के अति लघु, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। तो इसमें आप सभी पहले जल्दी से जुड़ जाओ, फिर हम लोग सबसे पहले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न हमारा अति लघु उत्तरी का हमारे सामने क्या है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है जिसमें हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगाए थे। ठीक है, कुछ देर पहले ढेर सारे न्यूमेरिकल्स लगाए थे पिछले वीडियो में, उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है बेटा मोलरता को उदाहरण सहित समझाइए। मोलरता को आपको कैसे समझाना है? उदाहरण के साथ समझाना है। तो मोलरता जिसको हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, किसी निश्चित ताप पर, याद रखिएगा, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में, निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। उस ताप पर उस विलयन की क्या कहा जाता है बेटा? मोलरता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जब किसी निश्चित ताप पर, कोई ताप आप निश्चित रखो और उस पे हर पर लीटर, मतलब हर 1 लीटर में जितने विलेय घुले होंगे उन पदार्थ के मोलों की संख्या, मतलब 1 लीटर में किसी पदार्थ के जितने मोल घुले होंगे, ठीक है, उसको उसकी क्या कहती है? उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलरता की इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर। जैसे आपसे अगर कह दिया जाए कि 2 मोल NaCl, क्या कहा गया बेटा? 2 मोल NaCl। ठीक है, क्या है हमारा? 2 मोल NaCl। ठीक है, 2 मोल NaCl को आपने क्या किया है? मिलाया हुआ है कहां पर? जल में। और जल में मिलाने के बाद, जल में मिलाया गया और पूरे विलयन का आयतन 1 लीटर एक लीटर हो गया। ठीक है, तो 2 मोल NaCl, 2 मोल को, 2 मोल NaCl को मिलाया गया है। कहाँ मिलाया गया है? जल में मिलाया गया है। और जल में मिलाने के बाद पूरे विलयन के आयतन को कितना कर दिया गया बेटा? 1 लीटर कर दिया गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? उस विलयन की मोलरता कहेंगे। क्या कहेंगे? उस विलयन की मोलरता कहेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चला जाए। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और वो क्या है? बोला गया है कि मोल प्रभास से आप क्या समझते हैं, समझाइए। पहली बात तो आप समझिए भी, उसके बाद समझाइए भी, मतलब दो दो चीजें पूछ ली गई। क्या पूछा गया बेटा? मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, यानी मोल प्रभाज किसे कहते हैं उसको आप समझाइए। किसको समझाइए? एग्जामिनर को समझाइए। बात समझ आ रहा है? जैसे हम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो हम लोगों ने मोल प्रभाज का ढेर सारा फॉर्मूला पढ़ा हुआ, ढेर सारा हमने किया कि विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, मोल प्रभाज निकल गया। तो ये आप समझ गए, एग्जामिनर को कैसे समझाओगे? तो उसी चीज को लिखकर, कैसे लिखना है? तो वही यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बेटा? मोल प्रभाज एक विलयन में, कोई भी विलयन ले लीजिए, उसमें किसी घटक विशेष यानी या तो आप विलेय की बात करोगे या तो आप विलायक की बात करोगे, तो दोनों में से किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज जब आपको निकालना होगा तो उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। क्या होता है बेटा? घटक में उपस्थित
सभी सॉरी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्याओं का अनुपात उस घटक का तथा मतलब घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्याओं का अनुपात क्या होता है? मोल प्रभाज कहलाता है। तो एक घटक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग काई से प्रदर्शित करते हैं कुछ इस तरीके से, एक्स यहां पे है कुछ ये इस तरीके से एक्स की तरह होता है लेकिन थोड़ा सा डिजाइन में, ठीक है, उसको काई से प्रदर्शित किया जाता है। काई ठीक है, घटक के मोलों की संख्या बटे में विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों की संख्या एक है तो दो है तो दो से काम हो जाएगा, तीन है चार है पांच है, जितनी भी चीजें उसमें मिली हुई हैं सबके मोलों की संख्या आपको लिखनी हो जाएगी। और मोलों की संख्या कैसे निकाला जाता है तो वो आप जानते हो, दिया गया भार बटे में अणु भार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने हमारे स्क्रीन पर है, क्या है बेटा कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं तथा साथ ही साथ इसका मोललता से क्या संबंध है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, होता क्या है और साथ ही साथ मोललता से इसका क्या संबंध है आपको वो भी बताना है। तो क्वथनांक का उन्नयन जिसको हम लोग डेल्टा टीबी आप लोगों को बताया जा चुका है वन शॉट में, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बढ़ जाता है, क्वथनांक क्या होता है बढ़ जाता है, कब बढ़ जाता है जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिला दिया जाता है, तो जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को वाष्पशील विलायक में मिला दिया जाता है तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो वही बढ़ने का जो डिफरेंस होगा जो अंतर होगा उसी को क्या कहा जाता है उन्नयन कहते हैं। तो देखिए वही चीज लिखी हुई है, क्या क्वथनांक में उन्नयन किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय, कैसा विलेय होना चाहिए अवाष्पशील यानी जो आसानी से वाष्पित न हो सके, अवाष्पशील विलेय के को घोलने पर जैसे ही आप मिलाओगे बेटा विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, वाष्प दाब क्या होगा कम हो जाएगा जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। मैंने बोला ना जैसे ही आप मिलाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा यानी क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा, क्यों क्योंकि वाष्प दाब कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो किसी विलायक में के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है, यही जो वृद्धि होती है उसी को क्या कहा जाता है उन्नयन कहा जाता है। जैसे मैथ में आप लोग अवनमन कोण और उन्नयन कोण पढ़ते हो ना ऊंचाई और दूरी वाले में, तो उन्नयन कोण जब हम नीचे से ऊपर की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ यानी बढ़ रहा है ना बढ़ रहा है, तो उसी तरीके से तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलाते ही उसके वाष्प दाब में कमी आती है उस कमी के कारण क्या होता है क्वथनांक में वृद्धि आ जाती है, तो उसी वृद्धि के अंतर को ये जो उत्पन्न वृद्धि होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा उन्नयन कहते हैं। किसका उन्नयन कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, अगर इसका गणितीय रूप देखा जाए तो इसका गणितीय रूप क्या हो जाएगा ये डेल्टा टीबी क्या है आपका जो परिवर्तन हुआ है जो उन्नयन हुआ है कैसे पता चलेगा, तो सॉल्यूशन का उन्नयन तथा मुक्त अवस्था में उन्नयन यानी जब नहीं मिलाया गया था तब उस विलायक का ताप कितना था, नहीं मिलाया गया था तब ताप कितना था, मिलाने के बाद ताप कितना हो गया, ज्यादा कौन हो जा रहा है मिलाने के बाद वाला, ज्यादा कौन हो जा रहा है मिलाने के बाद वाला, तो मिलाने के बाद वाले में से न मिलाने वाले को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। जहां लिखा हुआ है जहां टीएस तथा टी नॉट क्रमशः क्या है विलयन तथा विलायक के क्वथनांक है। बात समझ में आ रहा है, अच्छा क्वथनांक में उन्नयन तथा मोललता में क्या संबंध होता है, तो क्वथनांक का उन्नयन जो होता है बेटा वो मोललता के समानुपाती होता है। क्या होता है यहां पे देखो, यहां पे डायरेक्ट फार्मूला है, यहां पे देखिए कि क्वथनांक का जो उन्नयन यानी डेल्टा टीबी जो होता है डेल्टा टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है बेटा मोललता के स्मॉल एम के, मोलरता होता तो कैपिटल एम और मोललता है तो स्मॉल एम, तो डेल्टा टीबी जो है वो मोललता के समानुपाती होता है। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक लगाते हैं तो डेल्टा टीबी बराबर आपका क्या हो जाता है केबीएम,
केबी एम, जहां केबी क्या है मोलल उन्नयन स्थिरांक है, केबी क्या है मोलल उन्नयन स्थिरांक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हम लोग। चलिए ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर समझाइए। परासरण और विसरण होता क्या है, बात इस पे आएगी पहले। तो पहले आपको यह समझना है कि परासरण और विसरण किसे कहते हैं। तो परासरण विसरण दो चीजें हैं। तो परासरण में अणु कम सांद्रता, बात समझिएगा, यहां पर बात समझिएगा, कम सांद्रता की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर जो अणु होंगे बेटा वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। यहां पर आपका कहां से कहां जाएगा, कम से अधिक की तरफ जाएगा। कहां जाएगा बेटा, कम से अधिक की तरफ जाएगा। और इसमें उल्टा हो जाएगा, विसरण में अणु अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ, यानी विसरण में क्या होता है, विसरण में अधिक से कम की तरफ, विसरण में अधिक से कम की तरफ, और परासरण में कम से अधिक की तरफ गति करते हैं, कौन अणु। चलो, परासरण में विलायक के अणु का बहाव अर्ध पारगम्य झिल्ली, विलायक के अणु का बहाव अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, और विसरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब विसरण कराने में अर्ध पारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं होगी, लेकिन परासरण में इसकी जरूरत होती है। तो क्या अंतर है, अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाएंगे परासरण में, विसरण में क्या होगा अधिक से कम की तरफ जाएंगे, अर्ध पारगम्य में झिल्ली की आवश्यकता होती है और इसमें आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आ रहा है, यहां पर अर्ध पारगम्य में झिल्ली की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन परासरण कराने में अर्ध पारगम्य में झिल्ली की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलो, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, परासरण क्या है परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। परासरण क्या है, परासरण के दाब के लिए व्यंजक लिखिए। व्यंजक है, व्यंजन नहीं, खाने पे ध्यान ना जाए, ठीक है। तो परासरण क्या है, अभी आपने डिफरेंस लिखा था, अंतर अभी आपने लिखा था। अब देखो, परासरण अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से विलयन में या एक तनु विलयन से सांद्र विलयन में विलायक का स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है बेटा, परासरण कहलाता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर तनु का सांद्र में या विलेय का विलायक में जो स्वतः प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है हमारा, सॉरी, शुद्ध विलायक का विलयन में जो स्वतः प्रवाह होता है हमारा वो क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। और परासरण दाब बराबर क्या होता है बेटा, तो हम आदर्श गैस का समीकरण जानते हैं, पीवी बराबर एनआरटी, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एनवी अपॉन आरटी, और एन अपॉन बी मोलों की संख्या बटे में आयतन आपका क्या होता है, सांद्रता होता है। तो पी बराबर, देखो तीन फॉर्मूले, एक ये और एक ये, इन तीनों फॉर्मूले का आपको यूज करना है, ठीक है। पी बराबर एनआरटी आदर्श गैस समीकरण से हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ पी बराबर एनवी अपॉन आरटी हो जाएगा, एन अपॉन वी, एन आपका मोलों की संख्या, वी क्या है आयतन, मोलों की संख्या पर आयतन में सांद्रता प्रदर्शित करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मैं कहूं कि एक लीटर आयतन में 10 मोल है और एक लीटर आयतन में 12 मोल है, तो 12 वाला ज्यादा सांद्र हो जाएगा ना, तो सांद्रता, तो सी,
तो परासरण बराबर क्या होता है बेटा, सीआरटी। मेन आपको ये वाला याद रखना है, परासरण बराबर क्या होता है, सीआरटी। अब प्रश्न में सी दिया होगा तो आर फिक्स होता है, टी आपको दिया रहेगा। सी नहीं दिया हुआ है, सी नहीं दिया हुआ है तो एन अपॉन वी से आएगा, ये भी नहीं है तो कुछ और दिया होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा, बात समझिएगा। तो पी क्या है, परासरण का दाब, आर गैस स्थिरांक, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या डब्ल्यू बाई एम, भार बटे अणु भार। तो भार विलेय की मात्रा, विलेय का अणु भार, विलेय की मात्रा तथा विलेय का अणु भार। टी क्या है, परम ताप है, और वी क्या है, विलयन का आयतन है। तो परासरण, अर्धपारगम्य झिल्ली में से तनु विलयन का सांद्र विलयन की तरफ गमन, या फिर विलायक का, शुद्ध विलायक का विलय विलयन की तरफ जो गमन होता है, और कैसा गमन होगा, यानी गमन मतलब प्रवाह, कैसा प्रवाह होगा, स्वतः प्रवाह होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, परासरण कहते हैं। और परासरण दाब का जो फॉर्मूला होता है, पी बराबर होता है सी आर टी, पी बराबर सी आर टी, जिसको हम एनवी अपॉन आर टी भी लिख सकते हैं। चलिए क्लियर हो गया होगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, परासरण की बात हो गई थी, अब बात होगी प्रति परासरण, किसे कहते हैं प्रति परासरण। ठीक है, प्रति परासरण किसे कहा जाता है, इसका उपयोग लिखिए। प्रति परासरण होता क्या है तथा इसका उपयोग भी आपको बताना है। तो देखिए, प्रति मतलब उल्टा, प्रति मतलब उल्टा, जहां कम से ज्यादा की तरफ हो रहा था, अब हमको ज्यादा से कम की तरफ परासरण कराना है, गति करानी है। जहां विलायक से विलयन की तरफ हो रहा था, अब हमको ऐसा करना है कि विलयन से विलायक की तरफ होने लगे। तो ये प्रति परासरण होगा, उल्टा काम कराना है। कैसे होगा समझो, यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है तो विलायक के अणु विलयन जो कि अधिक सांद्र होगा, से शुद्ध विलायक जो कि कम सांद्र होगा की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। गति किधर करने लगते हैं बेटा, अधिक से कम की तरफ। अभी कम से अधिक की तरफ कर रहे थे, लेकिन हमने परासरण दाब ज्यादा लगा दिया, हमने उल्टा काम कराना है तो हम प्रेशर ज्यादा देंगे, ज्यादा प्रेशर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। क्योंकि यह प्रक्रिया परासरण की क्रिया के विपरीत दिशा में होती है, इसलिए इस क्रिया को व्युत्क्रम परासरण कहलाता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम परासरण या प्रति परासरण। इस प्रक्रम का प्रयोग कहाँ होता है बेटा, ये देखिएगा, समुद्री जल प्राप्त करने के लिए तथा घरों में शुद्ध पेय जल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी आरओ वाला पानी आप सभी पीते होंगे। आरओ का फुल फॉर्म होता है क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ वाटर होता है ना, आरओ प्लांट लगता है, तो आरओ प्लांट का, आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब परासरण, रिवर्स मतलब उल्टा, परासरण का उल्टा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है आपका आरओ प्लांट में। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, कहाँ प्रयोग होता है, तो घरों में शुद्ध पेयजल बनाने में, यानी आरओ से ही हम लोग शुद्ध पेयजल बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख डालते हैं। क्या है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कि ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब, ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब जल की अपेक्षा कम होता है क्यों। ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब जल की अपेक्षा कम होता है क्यों, क्योंकि शुद्ध जल में संपूर्ण सतह जल के अणुओं द्वारा घिरी होती है। जब हम शुद्ध जल लेंगे बेटा, तो उसकी जो पूरी सतह है वहां पर कौन होगा, जल के अणु होंगे, यानी H2O H2O H2O। जब एक अवाष्पशील विलेय, यानी उदाहरण के रूप में ग्लूकोज जल में घोला जाता है, यानी हमने ग्लूकोज मिला दिया कहां पर, जल में, तो सतह पर विलेय के अणु जल के कुछ अणुओं को प्रतिस्थापित करके उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो
तो जैसे ही हम अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो क्या होगा, कुछ अणु विलेय के, कुछ अणु जो होंगे वो विलायक के अणु यानी जल के अणुओं को वहां से प्रतिस्थापित करेंगे और उनका स्थान घेर लेंगे। इससे इससे क्या होता है, जल के अणुओं द्वारा घिरी सतह का क्षेत्रफल कम हो जाता है। क्या हो जाता है, क्षेत्रफल में कमी आ जाती है। इस कारण सतह से पलायन करने वाले जल के अणुओं की संख्या में कमी आ जाती है। अब जितने कम अणु होंगे उतने कम अणु पलायन करके वाष्प बनाएंगे, उतने कम अणु पलायन करके वाष्प बनाएंगे, फलतः यानी अतः आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज का जो जलीय विलयन होगा उसका वाष्प दाब घट जाएगा। ग्लूकोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि जैसे ही आप इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाओगे, जैसे ही आप इसमें अवाष्पशील पदार्थ जिसका एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज, तो जैसे ही आप ग्लूकोज मिलाओगे तो ये उस जल के कुछ अणुओं को वहां से प्रतिस्थापित करके उसकी जगह पर खुद आ जाएगा उसकी सतह पर। तो जब वो उसकी सतह पर आ जाएगा तो जब हम उसको गर्म कर रहे होंगे तो जहां पहले खाली जल के अणु थे तो वाष्प ज्यादा बन रहा था, अब ग्लूकोज के भी अणु आ जाएंगे तो वाष्प की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब वाष्प कम बनेगा तो जाहिर सी बात है बेटा वाष्प का दाब भी क्या होगा, कम हो जाएगा। बात क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहचान कौन क्या पहचानना है बेटा, पहचानिए निम्नलिखित यौगिकों में से कौन से जल में अत्यधिक विलेय, आंशिक रूप से विलेय तथा अविलेय है, मतलब कौन ज्यादा घुलेगा, कौन कम घुलेगा और कौन नहीं घुलेगा। ऑप्शन दिया है फिनॉल, टालोइन, फॉर्मिक एसिड, एथिलीन ग्लाइकॉल, क्लोरोफॉर्म, पेंटेनॉल। इसमें से आपको बताना है कौन कौन जल में घुल जाएगा। तो सबसे पहले फिनॉल की अगर हम बात करें, सबसे पहला फिनॉल, तो फिनॉल आपका क्या है, आंशिक विलेय है, फिनॉल कम रूप में घुलेगा। कारण क्या है, क्योंकि फिनॉल में ध्रुवी ओएच समूह तथा अध्रुवी C6H5 समूह उपस्थित होता है, इस कारण यह क्या होता है, आंशिक रूप से विलेय होता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह आपका जो कि ध्रुवी है और अध्रुवी जो आपका हमारा फेनिल समूह है वो हमारा क्या है, अध्रुवी। तो एक ध्रुवी एक अध्रुवी, जिस कारण इसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। अच्छा, टॉलुइन की बात करें तो यह अविलेय है, ये अविलेय है, क्यों, क्योंकि ये अध्रुवी है बेटा, ये अध्रुवी है। लेकिन जल की बात हो रही है, जल कैसा होता है, ध्रुवी होता है, तो अध्रुवी और ध्रुवी आपस में कभी नहीं मिलते हैं। मिलेंगे कौन, जिनमें बराबर होगा, यानी दोनों अगर ध्रुवी होंगे तब मिलेंगे, दोनों अध्रुवी होंगे तब मिलेंगे, नेचर मिलना चाहिए, नेचर मिलेगा तभी बातें होंगी। बात समझ आ रहा है कि नहीं, इसीलिए टॉलुइन अविलेय होता है, कहां, जल में। अच्छा, फॉर्मिक अम्ल जो है ये अत्यधिक विलेय है, कारण क्या है, हाइड्रोजन बंध बनाएगा। फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला पता है कि नहीं आप लोगों को, HCOOH, ये होता है फॉर्मिक अम्ल, और फॉर्मिक अम्ल आपका हाइड्रोजन बंध बना सकता है, जिस कारण इसकी जल में विलेयता क्या हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है। अच्छा, एथिलीन ग्लाइकॉल अत्यधिक विलेय है, कारण हाइड्रोजन बंध बनाएगा। एथिलीन ग्लाइकॉल CH2 OH, इसको कहते हैं बेटा एथिलीन ग्लाइकॉल, ये भी आपका जल में क्या है, पूर्ण रूप से विलेय होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेगा। क्यों होगा, क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेगा। अच्छा, इसके बाद आपका क्लोरोफॉर्म और पेंटेनॉल पे देखते हैं, क्लोरोफॉर्म और पेंटेनॉल, तो क्लोरोफॉर्म आपका अविलेय है, क्लोरोफॉर्म आपका क्या है, अविलेय है। क्लोरोफॉर्म जो है आपका वो क्या है बेटा, अविलेय है। क्यों है अविलेय,
क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन आबंध का निर्माण नहीं होता है, यद्यपि ये ध्रुवीय यौगिक है। क्लोरोफॉर्म है ध्रुवी, है ध्रुवी, लेकिन जल में घुलने के लिए, जल में घुलने के लिए आपको क्या होना होगा बेटा, आप उस जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना पाओगे, तभी आप जल में विलय होगे, अत्यधिक नहीं होगे। बात समझ में आ रहा है? जब तक आप हाइड्रोजन बंध बना पाओगे तभी आप जल में विलय होगे, अन्यथा आप जल में विलय नहीं होगे। तो अविलय है। अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्लोरोफॉर्म ध्रुवी यौगिक है फिर भी ये जल में अविलय है, क्लोरोफॉर्म ध्रुवी यौगिक है फिर भी ये जल में अविलय है, क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन आबंध का निर्माण नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन आबंध का निर्माण न कर पाने की वजह से ये आपका क्या होता है, अविलय होता है। ठीक है, चलो अगला। पेंटेनॉल अल्प विलय है, पेंटेनॉल अल्प विलय है किस कारण से? क्योंकि OH समूह ध्रुवी है परंतु लंबा हाइड्रोकार्बन अंश अध्रुवी है। तो पेंटेनॉल अगर आप बनाओ, पेंटेनॉल बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा CH3CH2CH2CH2CH2OH, यह है हमारा पेंटेनॉल। तो OH तो हमारा ध्रुवी है, लेकिन ये जो लंबी श्रृंखला दिख रही है आपको कार्बन की, ये श्रृंखला जो होती है बेटा ये अध्रुवी होती है, ये आपकी क्या होती है बेटा, अध्रुवी होती है, जिस कारण से एक ध्रुवी और एक अध्रुवी, तो ये अल्प विलय। एक ध्रुवी एक अध्रुवी, एक अध्रुवी तो अल्प विलय, दोनों ध्रुवी तो अत्यधिक विलय, लेकिन ध्रुवी के साथ साथ हाइड्रोजन बंध का भी निर्माण होना चाहिए। ध्रुवी है उसके साथ साथ हाइड्रोजन बंध का भी निर्माण होना चाहिए, तभी वो आपका विलय कहलाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है? अपसामान्य अणुसंख्यक गुण से आप क्या समझते हैं? किससे बेटा? अपसामान्य अणुसंख्यक गुणों से आप क्या समझते हैं? किसी एक उदाहरण द्वारा इसको स्पष्ट कीजिए। तो सामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म तनु विलयनों के वे भौतिक गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या अर्थात मात्रा पर निर्भर करते हैं। जो किस पे निर्भर करते हैं? कणों की संख्या या मात्रा पर निर्भर करते हैं, लेकिन उनके आकार तथा प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो क्या कहलाते हैं बेटा? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो जो अणुसंख्यक गुणधर्म होता है वो क्या होगा, जो केवल और केवल मात्रा पर निर्भर करे या फिर उपस्थित कणों की संख्याओं पर निर्भर करे, तो वो आपका क्या कहलाएगा? लेकिन प्रकृति पर निर्भर, आकार और प्रकृति से कोई मतलब नहीं है। जैसे आपके पास एक गिलास पानी है या आपके पास एक बाल्टी पानी है, एक गिलास पानी भी तभी उबलेगा जब तापमान आप कितना दोगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब उसका तापमान कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तभी वो उबलेगा। उसी तरीके से एक बाल्टी पानी भी आपका कब उबलेगा बेटा, जब आपका तापमान कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे पहले नहीं उबलेगा। तो दोनों में टाइम भले ज्यादा कम लगे, लेकिन उबलने के लिए उसको जो तापमान, उसको जो टेम्परेचर की जरूरत होगी वो कितनी होगी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 मिलेगा तो ही उबलेगा, अन्यथा वो नहीं उबल रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो क्या कि विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा है? अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है वो आपका क्या है बेटा, कि किसी जलीय विलयन की, कौन सा विलयन है बेटा, जलीय विलयन है। विलयन कैसा है आपका? जलीय विलयन है। उसकी सांद्रता
जली विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की किन्हीं चार विधियों का उल्लेख कीजिए। याद समझ लो, ये जो क्वेश्चन है ये एक सांद्रता का सारांश है, सांद्रता का सारांश है। ये एक क्वेश्चन में आ सकता है, छोटे छोटे चार क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से, तो ये एक सारांश है। मतलब इसमें आप चार क्वेश्चन भी बना सकते हो, मतलब चार क्वेश्चन है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। प्रतीक का एक एक उदाहरण भी दीजिए, बात समझ में आ रहा है। तो अब समझिएगा, तो सबसे पहला है हमारा मोलरता। सबसे पहला हमारा क्या है? मोलरता। चार विधियों में एक विधि है मोलरता। तो मोलरता क्या होता है? तो किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में, हम लोगों ने एक बार पहले भी पढ़ चुका है, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में गुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की क्या कहा जाता है बेटा? मोलरता कहा जाता है। मोलरता को हम किससे, मोलरता की जो इकाई होती है वो क्या होती है? मोल प्रति लीटर। इकाई क्या होती है? मोल प्रति लीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मोल प्रति लीटर ऐसे भी लिख सकते हो, यानी ये लिखो या फिर मोल प्रति लीटर ऐसे भी लिखो, दोनों ही सही है, ठीक है। दोनों को मोल प्रति लीटर पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको मोल लीटर पावर माइनस वन पढ़ने लगते हैं, ठीक है, लेकिन ये पावर माइनस वन नहीं होता है, मोल प्रति लीटर ही होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरा उदाहरण में देखिए, जैसे आपने क्या कह दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.5 मोल लिया गया है, जिसका विलयन का अर्थ है कि NaOH का 0.5 मोल को 1 लीटर विलयन में घोला गया है। NaOH के 0.5 मोल लीटर इनवर्स, यहां पे ऐसे लिख लीजिएगा, 5 मोल लीटर विलयन, लीटर इनवर्स विलयन का अर्थ है कि NaOH के 0.25 मोल को 1 लीटर में घोला गया है। अब यहां पे मोल लीटर इनवर्स लिखा हो, इसी को मैं यहां फिर से ये वाला चीज में एक बार देखो, आप फिर से समझाता हूं। ये जो यहां पे ये लिखा हुआ है, इसको आप 0.25 मोल प्रति लीटर लिखा हो या फिर 0.25 बड़ा वाला एम, ये जो है ना, ये बेटा बड़ा वाला एम है, ये बड़ा वाला एम, स्मॉल हो गया है, ये बड़ा वाला एम होगा। तो 0.25 एम अगर लिखा है तो ये आपको कहीं भी दिखा, ऐसा लिखा हुआ आपको कहीं भी दिख रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है कि वो चीज में हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो चीज जो है उसके 0.25 मोल को कितने में घोला गया है? 1 लीटर विलयन में घोला गया है। उसके 0.25 मोल को कितने में घोला गया है? 1 लीटर विलयन में घोला गया है। फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में, स्मॉल डब्ल्यू एम इंटू डब्ल्यू वी लीटर में। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहां पे? चलिए, अगर यहां पे इसमें आपको समझ ये 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 दिक्कत कर रहा है तो इस दिक्कत को हम थोड़ा सा ऐसे दूर करते हैं, इसको ऐसे हटाओ, ठीक है। आप क्या करोगे? विलेय के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? दिया गया भार बटे में अणु भार, दिया गया भार बटे में अणु भार, और पूरे के बटे में क्या आयतन होता है? पूरे के बटे में आयतन होता है, जो आयतन आपका किसमें होता है? लीटर में होता है। तो डब्ल्यू बाई एम वी लीटर, ठीक है। इसी को हम लोगों ने एक बार और पढ़ा हुआ है, कैपिटल एम बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू एम इंटू 1000 बटे में वी, और ये किसमें बेटा? एमएल में हो जाता है। अगर आप आयतन को एमएल में बदल दो तो ये 1000 से ऊपर गुणा हो जाएगा, और ये फॉर्मूला हमारा मोलरता वाला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। बात क्लियर है? इस पे मत ध्यान दो, थोड़ा सा ये मेरा प्रिंट है तो इस पे मत ध्यान दीजिए। यहां पे देखिए, m बराबर क्या हो जाएगा? w अपॉन m इंटू 1000 अपॉन में v ml में, यहां पे लीटर में। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, आगे चले, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर
सॉरी प्रश्न नहीं, अभी इसी में तो अच्छा चार बताना था ना, चार बताना था। तो अगला पॉइंट है हमारे स्क्रीन पर, क्या बताओगे? देखो क्या बताना बेटा, अब मोलरता के बाद दूसरा होता है मोललता। क्या? मोललता, मोललता, मोलरता, दोनों में बहुत समानता है, बस अंतर क्या है, उसमें ल ल है, इसमें ल र है। तो ल ल पे स्मॉल एम, मोललता को हम छोटे वाले एम से और मोलरता को बड़े वाले एम से प्रदर्शित करते हैं। मोललता बराबर क्या होता है, विलायक के 1000 ग्राम, वहां लीटर में लिया जाता है, यहां ग्राम में लिया जाता है, वहां विलयन रहता है, यहां विलायक रहता है। चीजों को बस ध्यान से समझिएगा, विलायक के 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में गुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है। मोललता की इकाई मोल किलोग्राम इनवर्स होती है, वहां लीटर इनवर्स था, यहां क्या हो जाएगा, किलोग्राम इनवर्स हो जाएगा। तो मोललता 1000 ग्राम विलायक लिया गया, उसमें जितने विलेय के मोल मिले हुए हैं वो उसकी क्या प्रदर्शित करता है, मोललता को प्रदर्शित करता है। मोललता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान। अब भार आ गया ना, तो भार के लिए क्या हो जाएगा, जहां हम आयतन लिख रहे थे वहां क्या लिखना है, द्रव्यमान लिखना है। और ये द्रव्यमान किस में रहेगा, किलोग्राम में रहेगा। द्रव्यमान किस में रहेगा, किलोग्राम में रहेगा। तो विले स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। तो यानी यहीं पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, W विलेय का अणु भार, W विलेय बटे में M विलेय इंटू कैपिटल W। छोटा वाला W है तो वो विलेय के लिए हो गया, कैपिटल वाला W है तो वो विलायक के लिए हो गया, या फिर आप यहां लिख लो विलायक, विलायक। और ये किस में रहेगा बेटा, सॉरी ये किस में रहेगा, यहां पे जो आपका कैपिटल W, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, विलायक, जो विलायक के भार को प्रदर्शित कर रहा है, वो आपका किस में रहता है, अगर ग्राम में रहेगा तो बस यहां पर हम क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। अंतर बस इतना है, मोललता मोलरता में यहां पर भार रहता है, वहां पर आयतन रहता है, 1 लीटर 1 किलोग्राम। तो किलोग्राम है तो डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू, और अगर आप इसको ग्राम में बदल दोगे तो 1000 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब क्या बोला गया, अगर आपसे बोला गया कि 1 मोल किलोग्राम, ये आपका इस पे ऐसे कर लो, एक मोल किलोग्राम इनवर्स को केसीएल का जलीय विलयन का अर्थ है, 1 मोल केसीएल को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। 1 मोल केसीएल का जलीय विलयन, ठीक है, यहां पर थोड़ा समझिएगा, इसको आप लोग रफ कर दो, ये ना ये चीज पे इस पे ध्यान मत दो, इसको मैं ऐसे बता रहा हूं, इस वाले पार्ट में ये देखिएगा थोड़ा सा। अगर क्या बोला गया बोला गया है, इस वाले चीज में थोड़ा सा करेक्शन करना बेटा आप लोगों को, इस वाले चीज में आप क्या दिखना है, यहां पे देखिए कि अगर 1 मोल पर किलोग्राम केसीएल का जलीय विलयन है, 1 मोल पर लीटर वहां पे था, यहां पे किलोग्राम है, तो 1 मोल पर किलोग्राम केसीएल का जलीय विलयन है, इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका अर्थ आपको यह निकलता है कि 1 मोल केसीएल को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। बात समझिएगा, 1 मोल किलोग्राम लिखा हो या फिर 1 मोल किलोग्राम लिखा हो या फिर यहां पर क्या लिखा हो, 1 छोटा वाला एम,
छोटा वाला m, बड़ा वाला m मोलरता, छोटा वाला m मोललता। तो एक m लिखा हो या एक मोल पर किलोग्राम लिखा हो तो जिसका अर्थ क्या हो जाएगा कि एक मोल KCl को एक किलोग्राम जल में घोला गया है। बात समझ में आ रही है? चलो दूसरा होता है बेटा हमारा, मतलब तीसरा है नॉर्मलता, तीसरा है नॉर्मलता जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? n से प्रदर्शित करते हैं। और नॉर्मलता बराबर क्या होता है? तो किसी निश्चित ताप पर, टेम्परेचर आपको नियत रखना है, किसी निश्चित ताप पर विलयन के एक लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, बस यहीं पे ध्यान देना है, घुले विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस ताप पर उस विलयन की नॉर्मलता कही जाती है। ठीक है, उस विलयन की क्या कही जाएगी? नॉर्मलता कही जाएगी, जिसकी इकाई क्या हो जाती है? ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। क्या हो जाता है? ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर, यानी नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन, वो किसमें? लीटर में। तो W बटे में E भी, यहां समझो W बटे में E भी, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं? दिया गया भार बटे में तुल्यांकी भार। देखिए यहां पर समझिएगा, ये जो आपको लिखा हुआ है ना, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा यहां पे समझा रहा हूं। यहां पर E जो है E होता है बेटा तुल्यांकी भार। क्या होता है? तुल्यांकी भार होता है। ठीक है, और तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है? तो E बराबर होता है अणु भार, E बराबर होता है अणु भार बटे में धन या ऋण आवेशों की संख्या, धन या ऋण आवेशों की संख्या। क्या होता है? E बराबर अणु भार बटे में धन या ऋण आवेशों की संख्या। तो यहां पे आपका WEV है, तो WEV को आप क्या लिख सकते हो? तो E बराबर इतना होता है, लीटर में है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा? नॉर्मलता, यानी कैपिटल N बराबर आप इसको लिख सकते हो W इंटू 1000 बटे में E इंटू V, और ये V किस में रहेगा? लीटर से ml में आपने कन्वर्ट कर लिया। कैसे बदल दिया? 1000 से गुणा करके। और e कैसे निकल रहा होगा बेटा? तो e बराबर होता है अणु भार बटे में प्लस या माइनस आवेशों की संख्या। अब ये देखिए कैसे समझिएगा, यहां पे n by 2 का अर्थ है सेमी नॉर्मल विलयन। सेमी नॉर्मल विलयन मतलब 1/2 n by 2 का मतलब हो गया आधा, जिसकी नॉर्मलता कितनी हो? 0.5 हो। तो 0.5 मतलब विलय की संख्या, 0.5 मोल किसमें मिले हैं बेटा? 0.5 मोल आपका विलयन का आयतन एक लीटर में। अब इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे अगर मान लो इसके लिए आप समझिएगा, नॉर्मलता के लिए अगर मान लिया कि इस केसीएल का मुझे नॉर्मलता निकालनी है, इस केसीएल की मुझे नॉर्मलता निकालनी है, या मुझे इसके पहले जो हम लोगों ने NaOH लिखा था, NaOH इसकी नॉर्मलता निकालनी है, और आपसे प्रश्न में क्या बोल दिया गया, इसको भी हम आगे देखेंगे ना, नॉर्मलता वाला भी मैं अगले पेज पे आपको बता रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा जगह कम है। अगले पेज पे देखिए, अगर आपको नॉर्मलता निकालनी है और प्रश्न में क्या बोला है, उसके पहले ये नोट देखो, ये नोट में दिया हुआ है कि विलयन की मोलरता व नॉर्मलता में निम्नलिखित संबंध होता है। क्या होता है? मोलरता गुणे विलय का अणु भार बराबर नॉर्मलता गुणे विलय का तुल्यांकी भार, या नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे अम्लीयता या क्षारीयता या ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। सर पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है? सर पता नहीं क्या क्या लिखा है, नहीं समझ में आ रहा है। नॉर्मलता बहुत ही आराम से समझिए, नॉर्मलता क्या होती है? तो नॉर्मलता अगर मान लो मैंने आपको एक प्रश्न दे दिया और उस प्रश्न में क्या बोला हुआ है, जगह तो यहां भी हमको नहीं दिख रही है,
चलो आगे ये प्रश्न हो जाने तो उसके बाद मैं आपको नॉर्मलता का एक न्यूमेरिकल समझा देता हूं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी अभी थोड़ा सा इस पे ये रखो कि सर ये है, अभी हम इसको आगे जहां हमको थोड़ा सा जगह मिलता है वहां पे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के यहाँ पे समझा दूंगा कि नॉर्मलता कैसे निकाली जाती है। अगला जो चौथा पॉइंट है वो है हमारा मोल प्रभाज। मोल प्रभाज को हम लोग काई से प्रदर्शित करते हैं, और मोल प्रभाज होता क्या है, तो एक विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम एक बार पढ़ चुके हैं, तो मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या बटे में विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। एग्जाम्पल में देखो दिया हुआ है, क्या दिया है कि यदि किसी बाइनरी मिश्रण में ए तथा बी के मोल अंश एन ए तथा एन बी हैं, मोल अंश कितने हैं, एन ए तथा एन बी हैं, तो ए संकेत का मोल अंश भाग एक्स ए काई ए बराबर एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी एन ए आपका ये हो गया ए का, और यहां कुल निकालना है तो एन ए प्लस एन बी। तो ये चार हैं जो सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं, मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज। और भी हैं, लेकिन ये चार मुख्य हैं, मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज। इन चारों पर न्यूमेरिकल भी आता है, तो इन चारों को बहुत ही ध्यान से आप लोग समझेंगे, हम लोगों ने न्यूमेरिकल इस पे लगाए हुए हैं, बात समझ आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, तो आगे आगे जो हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है, आगे जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपका क्या है कि राउल्ट, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम क्या है, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का नियम क्या है, परिभाषित कीजिए, उसको आपको परिभाषित करना है। तो राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का नियम जो है, इस नियम के अनुसार अवाष्पशील पदार्थ, ऐसा पदार्थ आपको मिलाना है जो क्या होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए, विलेय पदार्थ के विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो विलयनों के लिए तो वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा, वाष्प दाब में जो अवनमन हो रहा है वो विलयन के मोल प्रभाज के बराबर होगा, जिसका गणितीय रूप कुछ इस प्रकार से बेटा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर काई विलय, विलय यानी एन ए एन अपॉन एन ए प्लस एन ए। इस चीज को अब ऐसे समझिए, हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आपका क्या मिला हुआ है, पहले से वाष्पशील पदार्थ मिला हुआ है, पहले से वाष्पशील पदार्थ मिला हुआ है, और इस ए कोई वाष्पशील पदार्थ है ए, और इसमें हमने बी मिला दिया, इसमें हमने क्या मिला दिया, बी मिला दिया, और ये बी कैसा है, ये बी कैसा है बेटा, अवाष्पशील है, बी कैसा है, अवाष्पशील है, ये जो ए था ये कैसा था, ये वाष्पशील था, ये आपका वाष्पशील था, जो बी मिलाया वो अवाष्पशील है। तो जैसे ही आप अवाष्पशील पदार्थ मिलाओगे उसका जो वेपर प्रेशर है यानी वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो माना पहले वाष्प दाब कितना था, पी नॉट, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कितना था, पी नॉट, अब मिलाने के बाद कितना हो गया उस विलयन का वाष्प दाब, पी एस हो गया, पहले पी नॉट था फिर पी एस हो गया, तो पी नॉट माइनस पी एस को हम लोग क्या कहेंगे, अवनमन कहेंगे, किसमें, वाष्प दाब में, कि वाष्प दाब में अवनमन कितना हुआ, तो डेल्टा पी बराबर होता है पी नॉट माइनस पी एस, ये होता है अवनमन, डेल्टा पी मतलब कितना अवनमन हुआ, कितना परिवर्तन हुआ। तो पहले पी नॉट था, वाष्प दाब ज्यादा था, जैसे ही हमने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया वाष्प दाब कम हो गया, वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया, तो कम होने की वजह से कितना कम हुआ, तो पी नॉट माइनस पी एस, और इस अवनमन तथा शुद्ध वाष्प दाब का जो अनुपात होता है, इस अवनमन तथा शुद्ध वाष्प दाब का जो अनुपात होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक अवनमन। तो आपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट,
और ये जो आपेक्षिक अनुमन होता है ये आपका बराबर होता है। आपेक्षिक अनुमन किसके बराबर होता है, तो जैसा कि आपको यहां पर लिखा हुआ है, आपेक्षिक अनुमन बेटा बराबर किसके होगा, आपेक्षिक अनुमन विलेय के मोल प्रभाज के। तो विलेय का मोल कैसे निकालेंगे, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या, तो कुल के लिए स्मॉल एन आपका विलेय के लिए और कैपिटल एन ले लिया गया विलायक के लिए। तो ये आपका था, जहां पर क्या क्या चीजें हैं वो देखो, ये यहां पे लिखा हुआ है फिर से, P नॉट माइनस पी एस वाष्प दाब का अनुमन कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया। एक कंटेनर लिया, उसमें पहले से आपका वाष्पशील पदार्थ होगा, उसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, जैसे ही आप अवाष्पशील पदार्थ मिलाओगे उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, तो उसी को कहा जाता है वाष्प दाब का अनुमन। और जब P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट निकालेंगे तो ये वाष्प दाब में अनुमन जो है ये आपेक्षिक हो जाएगा, ये जो अनुमन है ये आपका क्या हो जाएगा, आपेक्षिक अनुमन हो जाएगा। वाष्प दाब में अनुमन कौन सा हो जाएगा, आपेक्षिक हो जाएगा। एक्स ए क्या है, विलेय का मोल प्रभाज, एन क्या है विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन क्या है विलायक के मोलों की संख्या। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहां पे, बात समझिएगा। पी नॉट ये चीज कैसे आई है वो मैंने अभी आपको समझाया कि आप कंटेनर लिया, उसमें वाष्पशील था पहले से, अब उसमें आपने अवाष्पशील विलेय मिला दिया, जैसे ही आप अवाष्पशील विलेय मिलाओगे उसकी जो वाष्प दाब है वो कम बनने लगेगा, और जब वाष्प दाब कम बनेगा तो अनुमन होगा, उस अनुमन को हम लोग पी नॉट माइनस पी एस से प्रदर्शित करते हैं। और आपेक्षिक अनुमन कितना होगा, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट। बात समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए राउल्ट के नियम की सीमाएं, नियम तो हो गया, इनकी कुछ सीमाएं थी, राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं थी, और वो सीमाएं क्या थी, वो सीमाएं थी कि राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील वैद्युत अपघट्यों के लिए तनु विलयन पर लागू होता है। अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य हो और उसका कैसा होना चाहिए बेटा, तनु विलयन होना चाहिए। अच्छा, राउल्ट का नियम केवल उन अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगर वो रासायनिक अभिक्रिया कर लेंगे तो राउल्ट का नियम वहां पर लागू नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि विद्युत अपघट्य विलयनों में वियोजित होते हैं, अतः उनके विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। मतलब जहां पे विद्युत अपघटन होगा तो वहां पर जब वो वियोजित हो जा रहे होते हैं इसीलिए वहां पे राउल्ट का नियम काम नहीं करता है। और चौथा, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं, घुल जाते हैं, उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। मतलब खाली उन्हीं पर लागू होगा जो रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होंगे। जो वाष्पशील पदार्थ था जिसमें हमने अवाष्पशील पदार्थ मिलाया था वो आपस में अभिक्रियाशील नहीं होना चाहिए, अगर वो आपस में अभिक्रियाशील हो जाता है तो वहां पर राउल्ट का नियम काम नहीं करेगा। और राउल्ट का नियम जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है केवल और केवल अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य के तनु विलयन पर लागू होता है। किस पे लागू होता है बेटा, तनु विलयन पर लागू होता है। तो इस वजह से यहां पर जो राउल्ट का नियम था हमारा P नॉट पी एस अपॉन में पी नॉट बराबर, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं n अपॉन कैपिटल n, n अपॉन कैपिटल n। कैसे, क्योंकि स्मॉल n बराबर यहां पर क्या हो जाता है, इसको नगण्य मान लिया जाता है, तो स्मॉल n बराबर यहां पे जीरो, स्मॉल n को नगण्य मान लिया जाता है, तो n प्लस n आपका n आता है। जो भी हम लोगों ने राउल्ट का नियम जो था, राउल्ट का जो नियम था आपका क्या, कि p नॉट माइनस पी एस अपॉन p नॉट बराबर n, n प्लस n, तो n प्लस n में तो ये जो n है इसको नगण्य मान लिया जाता है, तो क्या हो जाता है n अपॉन में n। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल w स्मॉल m इंटू कैपिटल एम बटे में कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम विलेय के लिए, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम
विलायक का मोल प्रभाज निकालने के लिए। मोल कैसे निकालते हैं, दिया गया भार बटे अणु भार, तो विलय का भार बटे विलय का अणु भार, विलायक का भार बटे मतलब विलायक का अणु भार बटे विलायक का भार, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट हो जाए। बात क्लियर है, चलो अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारा यहां पे है राउल्ट के नियमानुसार, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। राउल्ट के नियमानुसार धनात्मक एवं ऋणात्मक विचलन का क्या अर्थ है तथा डेल्टा एच इन विचलनों से कैसे संबंधित है, डेल्टा एच कैसे संबंधित है और धनात्मक और ऋणात्मक विचलन पे क्या अर्थ है। तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है आदर्श गैस और अनादर्श गैस, जिस तरह से होता है उसी तरीके से आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन होते हैं। तो आदर्श विलयन क्या होते हैं, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियमों का पालन करें, और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, जो राउल्ट के नियमों का पालन ना करें। और ये दो प्रकार से होते हैं अनादर्श, एक धनात्मक विचलन दिखाता है और एक ऋणात्मक विचलन दिखाता है। तो जो धनात्मक विचलन दिखाता है वो, और जो ऋणात्मक विचलन दिखाता है वो, उनके आधार पर आदर्श और अनादर्श विलयन। तो अनादर्श विलयन का क्या है, देखो धनात्मक विचलन जब विलयन का वाष्प दाब, जब विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा, राउल्ट के नियम द्वारा प्रयुक्त किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है, राउल्ट के नियम द्वारा जो प्रयुक्त किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है तो धनात्मक विचलन कहलाता है। और इस दशा में विलेय तथा विलायक के अणु ए और बी के मध्य अन्योन क्रियाएं, जो आपस में वो रिएक्शन करेंगे, अन्योन क्रियाएं विलेय विलेय के अणु यानी ए ए तथा विलायक विलायक के अणु यानी बी बी की अन्योन क्रियाओं की अपेक्षा दुर्बल हो जाती है, अन्योन क्रियाओं की अपेक्षा क्या हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं। इसके कारण विलयन में से विलय ए या विलायक बी के अणु शुद्ध अवयव की तुलना में अधिक आसानी से पलायन कर सकते हैं, ठीक है, अधिक आसानी से पलायन कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप वाष्प दाब में वृद्धि होती है। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन के गुण क्या क्या चीजें होंगी, पहला तो पी ए, पी ए जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा किसके, पी ए नॉट, पी ए नॉट एक्स ए के, और पी बी जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा किससे, पी बी नॉट एक्स बी से, पी ए ज्यादा होगा पी ए नॉट एक्स ए से, पी बी ज्यादा होगा पी बी नॉट एक्स बी, ये बी जो है ये यहां पे सफिक्स में यहां रहेगा ना, बी पी ए एक्स ए, ठीक है। अच्छा, यदि डेल्टा एच कम कम है जीरो के तब विचलन धनात्मक दिखाएगा, यदि आयतन कम है तब विचलन धनात्मक दिखाएगा, यानी जो आयतन में परिवर्तन, इंथैल्पी में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, इंथैल्पी में परिवर्तन कम है ए यानी शुद्ध का जो है वो कम है किससे, सॉरी सॉल्यूशन का कम है किससे, शुद्ध वाले से, तो ये सब आपका क्या दिखा रहा होगा, धनात्मक विचलन दिखा रहा होगा। क्यों, क्योंकि राउल्ट का नियम आप लोगों को बताया गया था, तो राउल्ट के नियम में क्या होता है, पी ए बराबर आप लोगों को यह बताया गया था इस तरीके से, पूरा समझो, पी ए जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, ए के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, ए के मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो पी ए समानुपाती होता है। इसी समानुपाती का जब हम चिन्ह हटाते हैं तो बराबर लगाते हैं और यहां क्या आ जाता है, पी ए का नॉट और मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज ए का, ये हो जाता है। तो अब ये बराबर है तो ये राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है, और अगर ये बराबर में, समझिएगा, अगर ये बराबर में क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ये पी ए जो है वो ज्यादा हो जाए किसके, शुद्ध और मोल प्रभाज के गुणनफल के से ज्यादा हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक विचलन दिखाएगा। और इसी कारण अगर इंथैल्पी यानी जो मिश्रण की इंथैल्पी है वो ज्यादा हो जा रही है किससे, जीरो से, तो आपका क्या दिखाएगा, धनात्मक विचलन। अगर वही इंथैल्पी जो है
इंथैल्पी जो है मिश्रण की वो बराबर है किसके, जीरो के, तब वो राउल्ट के नियम का पालन करती है, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो धनात्मक विचलन। आयतन मिश्रण का जो आयतन है, समझिएगा, मिश्रण का जो आयतन है वो बराबर है किसके, जीरो के, आयतन था ना, सॉरी, मिश्रण का जो आयतन है यानी डेल्टा वी, आयतन में जो परिवर्तन है वो जीरो के बराबर है, मिलाने के बाद भी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अगर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, लेकिन अगर वही आयतन ज्यादा हो जा रहा है तो वो धनात्मक विचलन दिखाएगा। राउल्ट के नियम से वो क्या दिखाएगा बेटा, धनात्मक विचलन दिखाएगा। बात क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। इसी में धनात्मक विचलन हो गया तो ऋणात्मक विचलन, नहीं, धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करने वाले उदाहरण देखिए। धनात्मक विचलन को कौन कौन से, कौन कौन सा एग्जाम्पल है आपका धनात्मक विचलन का, वो आपका यहां पर दिया हुआ है। एथिल अल्कोहल तथा जल का मिश्रण जो है वो आपका धनात्मक विचलन दिखाता है। एसीटोन तथा कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो आपका धनात्मक विचलन दिखाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा बेंजीन जो है वो धनात्मक विचलन दिखाता है। एसीटोन तथा बेंजीन जो है वो धनात्मक विचलन दिखाता है। ये देखो, ये धनात्मक विचलन है। ये जो आपका डॉटेड लाइन ये दिख रहा है ना, ये वाली जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये वाली जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये राउल्ट के नियम की सीमा को दिखा रहा है कि ये राउल्ट ने बोला था ऐसा कुछ होगा। लेकिन धनात्मक विचलन है तो धनात्मक विचलन यानी जो राउल्ट का ये वाला पॉइंट है, इससे ऊपर, इससे ऊपर, इससे ऊपर, ये धनात्मक विचलन दिखा दिया। ठीक है, काई ए जीरो, काई ए वन, काई बी वन, काई बी जीरो, ये मोल अंश को, और ये वाला जो ग्राफ है ये वाष्प दाब को दिखा रहा है। बात समझ में आ रहा है? अगर यही ऋणात्मक विचलन में बात करें तो देखो, ये राउल्ट के नियम की सीमाएं थी कुछ इस तरीके से, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये राउल्ट के नियम की सीमाएं, ऋणात्मक यानी पूरा उल्टा हो जाएगा, तो ऋणात्मक के केस में आपका क्या हो जाएगा, ये कुछ ग्राफ इस तरीके से बनने लगेगा। ग्राफ कैसे बनने लगेगा, नीचे से ग्राफ जो है वो नीचे से बनने लगेगा और बाकी चीजें सेम रहेंगी। देखो यहां काई ए जीरो, काई बी जीरो, वन काई ए वन, काई बी जीरो, ये भी आपका वाष्प दाब, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला का वाष्प दाब ग्राफ है। तो अगर ये आप ग्राफ बना दोगे तो आपको और नंबर अच्छा मिल जाएगा। आगे देखिए, इसमें ऋणात्मक विचलन धनात्मक हो गया, ऋणात्मक विचलन में पूरी चीजें उल्टी हो जाएंगी, पूरी चीजें आपकी उल्टी हो जाएंगी जो अभी आपने देखा। देखो क्या होता है, तो जब विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रयुक्त किए गए वाष्प दाब से कम हो जाता है, वाष्प दाब ज्यादा हुआ था तो आपका धनात्मक, कम हो गया तो ऋणात्मक विचलन कहते हैं। इस प्रकार के विचलन में ए ए तथा बी बी के मध्य अन्योन क्रियाएं ए बी के मध्य अन्योन क्रियाएं की अपेक्षा दुर्बल हो जाती हैं, तो ऋणात्मक विचलन के परिणाम स्वरूप वाष्प दाब में क्या आता है बेटा, कमी आ जाती है। तो अब कमी कैसे आएगी, तो क्या क्या चीजें हैं, अभी आपने देखा था पीए ज्यादा था, ये नॉट रहेगा ना यहां पे, पीबी नॉट काई बी, पीए कम हो जाए गुणनफल से या पीबी आपका कम हो जाए पीबी और काई बी के गुणनफल से, तो आपका ऋणात्मक विचलन। डेल्टा वी एक्स कम हो जाए जीरो से तो विचलन आपका कौन सा होगा, ऋणात्मक होगा। अच्छा, यदि डेल्टा एक जगह वी है एक जगह एच ले लो, किसी को भी वी ले लो किसी को भी एच ले लो, डेल्टा एच आपका कम हो जाए तब विचलन आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। दोनों में बस उल्टा करना आपको, धनात्मक में अधिक होगा ऋणात्मक में कम होगा, धनात्मक विचलन है तो अधिक होगा ऋणात्मक विचलन है तो कम हो रहा होगा। बात क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले कारक कौन कौन से हैं, ऋणात्मक विचलन आपका कौन कौन सा दिखाता है, तो HNO3 का जल में मिश्रण, क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन का मिश्रण, एसिटिक अम्ल तथा पिरिडीन का मिश्रण, हाइड्रोक्लोरिक तथा जल का मिश्रण, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फॉर्मूला लिखना चाहो तो HCl और H2O को जब मिलाएंगे, HCl और H2O का मिश्रण आपका क्या होगा, ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH3COCH3 एसीटोन, इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका जो मिश्रण होगा वो ऋणात्मक दिखाएगा।
पिरिडीन, पिरिडीन का फॉर्मूला होता है C5H5N। पिरिडीन को जब एसिटिक अम्ल, पिरिडीन को जब किसमें मिलाएंगे बेटा, एसिटिक अम्ल CH3COOH में मिलाएंगे, तो ये जो मिश्रण तैयार होगा, ये जो विलयन तैयार होगा वो ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। और नाइट्रिक अम्ल और जल को जब आप मिलाएंगे तो वो जो विचलन तैयार होगा वो आपका क्या दिखाएगा, आपका ऋणात्मक विचलन दिखाएगा। बात क्लियर है? ऋणात्मक विचलन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, धनात्मक विचलन क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, धनात्मक ऋणात्मक विचलन राउल्ट के नियम के आधार पर, मतलब अनादर्श विलयन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको याद करना है आपको एकदम दिमाग लगा के। उसके बाद जो मैंने अभी बोला आपको कि नॉर्मलता पे एक प्रश्न, तो हमको जगह दिखा प्रश्न बताते हैं, जगह दिखा प्रश्न बताते हैं। अब आपको प्रश्न में क्या बोला, प्रश्न में कुछ इस प्रकार से बोला कि यदि 4 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, कहाँ घोला गया बेटा, जल में घोला गया है, तो विलयन की नॉर्मलता बताओ, तो विलयन की नॉर्मलता बताओ। ठीक है, जल में घोला गया है तो n बताना है, तो हम जानते हैं, इसका सॉल्यूशन समझिएगा बहुत आराम से, इसका सॉल्यूशन समझिएगा, हम जानते हैं नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है बेटा, अभी हमने लिखा था W गुड़े 1000 बटे में E गुड़े आयतन, और आयतन किसमें, ml में। तो हमारे पास V दिया हुआ है 500, स्मॉल W दिया हुआ है 4 ग्राम। अगर हमको E मिल जाए तो हम इस फॉर्मूले में रख के निकाल लेंगे। अब E बराबर क्या होता है समझिएगा, E बराबर होता है अणु भार, अभी आपको मैंने बताया था E बराबर अणु भार बटे में, अणु भार बटे में आपका धन या ऋण आवेशों की संख्या, धन या ऋण आवेशों की संख्या। तो अब धन या ऋण आवेशों की संख्या कैसे पता चलेगी, तो आप देखिए NaOH, समझिएगा मेन यहीं पे है पूरा, NaOH को जब आप तोड़ोगे बेटा तो ये Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा, तो आप देख रहे हो यहां पे एक धन और एक ऋण आवेश है, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, तो यानी ऋण और धन आवेशों की संख्या दोनों में से कुछ भी लोगे तो एक आया। अब अणु भार, NaOH का अणु भार कितना होता है, तो 23 × 1 = 24 × 36 = 40, कितना होगा बेटा 40, तो 40/1 बराबर कितना आ गया 40 ग्राम, 40/1 बराबर कितना आ गया आपका 40 ग्राम, तो ये 40 ग्राम E का मान आ गया। अब इस सारे मान हमारे पास हैं, तो W दिया हुआ था 4 ग्राम 1000 बटे में E आया हमारा 40 गुणे आयतन, आयतन कितना है 500, आयतन कितना है 500, बात समझ में आ रहा है, तो अब कितना हो जाएगा, देखो 500 से 1000 दो बार में कट गया, 4 से 40 10 बार में कट गया, 2/10 यानी 0.2n, यानी इसकी नॉर्मलता कितनी हो गई 0.2 हो गई, नॉर्मलता कितनी हो गई बेटा 0.2 हो गई, बात समझ में आ रहा है, स्क्रीनशॉट लो, आगे चले हम लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो इसी तरीके से अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह कोई ऐसा होगा जिसमें दो चार्ज हो गया, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता, क्या होता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर NaOH की जगह आपका क्या होता बेटा CaOH का ट्वाइस होता, तो यहां पे 2+ चार्ज होता और 2 - चार्ज होता, तो 2+2-, यानी यहां पर 2 लिखना होता, अणु भार निकालते ई का मान आ जाता, ई का मान यहां रखते जितना ग्राम दिया रहता उसके हिसाब से हल कर लेते, ठीक है।